गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर गाइस आप भी मेरी तरह इनजस्टिस 2 गेम खेलते हो और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि लिखा रहा एरर वेटिंग फॉर वाईफाई, जब भी आप इस गेम को ओपन करने की कोशिश करते हो और प्ले करने की कोशिश करते हो यहाँ पे ये स्टक हो जाती है और यहाँ पे लिखा आता है एरर वेटिंग फॉर वाईफाई। दरअसल मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से आ रही है, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा इसका सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सिंपल से स्टेप हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम का रीज़न मैं बता देता हूँ, इसका रीज़न है आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो स्टेबल नहीं है। आपका इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड है वो अच्छी है पर वो स्टेबल नहीं है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसको कैसे सॉल्व करा वो आपको बताऊँगा। तो हमारे चैनल अनरीचेबल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डिवाइस की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना और यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाना हमें डेट एंड टाइम वाले सेक्शन पे। तो सिंपली सर्च कर लेना यहाँ पे डेट एंड टाइम को एंड इसको सर्च करने के बाद इसको ओपन कर देना और यहाँ पे यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम है ये ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना और इसके बाद आपको जो डेट एंड टाइम है बिल्कुल एक्यूरेट कर लेना और यहाँ पे जो टाइम जोन पता है तो आप जिस भी जगह पे रहते हो वहाँ का आपको टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना और बिल्कुल एक्यूरेट होना वो ज़रूरी है, वरना ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंट्री आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कंट्री में रहते हो उस कंट्री का टाइम जोन और उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद टाइम फॉर्मेट है, 24 घंटे रखना चाहते हो 24 घंटे रखे या फिर 12 घंटे रखे, इसको एक बार चेंज करें। अगर 12 घंटे रखे तो 24 घंटे जरूर करें। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा जो सिम कार्ड में आपने रिचार्ज करवाया उस पर इनेबल कर देना है। उस पर आने के बाद एपीएन पे जाना है और एपीएन को रीसेट कर देना है। एपीएन को रीसेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो यहाँ पे हमें 4G या फिर LTE जो भी मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है और यहाँ पे हमें यूज़ वोल्ट का ऑप्शन दिखा है, इसको भी इनेबल कर देना है और मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई ये वाला ऑप्शन है इसको भी इनेबल कर देना है। ये सब करने के बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है और एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते ही आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।